स्वागत, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर फर्जी डिग्री बांटने को लेकर एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सनराइज यूनिवर्सिटी एमके यूनिवर्सिटी का मालिक और पार्टनर जितेंद्र यादव भी गिरफ्तार हुआ है। एसओजी के डीआईजी परेश देशमुख के सुपरविजन में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। दोपहर 3:30 बजे बताया जा रहा है कि एडीजी वीके सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी बड़े खुलासे करेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, फर्जी डिग्री बांटने को लेकर एसओजी ने बड़ा एक्शन लेते हुए चुरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा एक्शन हुआ है। साथ ही सनराइज यूनिवर्सिटी और एमके यूनिवर्सिटी का मालिक साथ ही पार्टनर जितेंद्र यादव गिरफ्तार हो गया है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हैं। देखिए, प्रदेश में कई ऐसे यूनिवर्सिटी थी जो कि प्राइवेट थी और उनके द्वारा कई सारे जो सरकारी नौकरियां थी उनके लिए जो आवेदन किए गए थे उनमें जरूरी होने वाली डिग्रियां होती है, उन डिग्रियों को अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से मोटी रकम वसूल करके बांटा गया था। और इन्हीं फर्जी डिग्रियों को बांटने के मामले में कई सारी शिकायतें एसओजी तक पहुंची थी, जिसका सुपरविजन और मॉनिटरिंग एडीजी वीके सिंह और उसके अलावा डीआईजी परेश देशमुख के सुपरविजन में शुरू हुई। एडिशनल एसपी धर्म सिंह गिला को शिकायत सौंपी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एसओजी की ओर से लिखा गया था, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी और उसके अलावा जो एमके यूनिवर्सिटी के मामले में। और वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में कवायद करते हुए, कार्रवाई करते हुए आज दो बड़ी गिरफ्तारियां इसमें की है, जिसमें चुरू की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं जोगेंद्र सिंह उनको गिरफ्तार किया है, साथ में सनराइज यूनिवर्सिटी और एमके यूनिवर्सिटी की जो मालिक पार्टनर है जितेंद्र यादव बताए जा रहे हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का जो खुलासा है वो दोपहर के बाद में किया जाएगा, लेकिन जो पूरा मामला है वो यही है कि सरकारी जो टीचर जो सरकारी शारीरिक शिक्षक होते हैं, शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में फर्जी डिग्रियां बांटने के लिए इन अभ्यर्थियों को बांटी गई थी फर्जी डिग्रियां इन कॉलेजों की ओर से, और शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई आज है। उम्मीद करते हैं कि अब फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी वीके की होगी उस पर भी अब नजर रहेगी। हमारा ये कहना है कि अगर हम ओपीजीएस की बात करें तो पीटीआई आवेदन की हम बात करें, पीटीआई 2022 की परीक्षा है, तो लगभग 1360 के लगभग आवेदन कैंडिडेट्स ने ओपीजीएस के माध्यम से दिखाया है। जबकि अगर हम ओपीजीएस की कुल बैच का भी अगर हम साइज जब से उसको मान्यता मिली है तो वो 500 है, तो अगर ओपीजीएस 500 लोगों को पढ़ा सकता था तो पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई 1400 लोगों ने आवेदन में ये कैसे कह दिया कि भाई हमने ओपीजीएस से पढ़ाई की। दूसरा है कि जो सिलेक्टेड हैं 81 कैंडिडेट्स जो ओपीजीएस से हैं, उसमें जो काउंसलिंग के माध्यम से जो राजस्थान सरकार काउंसलिंग कराती है उसके माध्यम से केवल 6 लोग ही, तो बाकी के एडमिशन जो है ये प्राइवेट एडमिशन है और प्राइवेट एडमिशन सरकारी गाइडलाइन में है ही नहीं। तो इसके अलावा जो दूसरा परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं जब हम ओपीजीएस को ओवरऑल स्टडी करते हैं तो टीचर्स कितने एम्प्लॉयड हैं, स्टाफ कितना एम्प्लॉयड है, तो एज पर स्टेटमेंट केवल 8 से 10 टीचर्स ही एम्प्लॉयड हैं और लगभग 20 से 25 कोर्सेज चल रहे हैं। तो प्रश्न मन में उठता है कि भाई अगर इतने कम टीचर्स हैं तो कैसे डिग्री हो पाएगी। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा से जुड़े एक के बाद एक कई रहस्य सामने आ रहे हैं। बुधवार को हमने आपको भोले बाबा का राजस्थान कनेक्शन बताया था, लेकिन आज जब हमारी टीम दौसा में बाबा के आश्रम के अंदर पहुंची तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये कोई रैपर करने वाला नहीं। बाबा का आश्रम न्यूज 18 की पड़ताल। ये दरबार चलता था, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, अभी भी टेंट लगा हुआ है। बाबा की लेडी ब्रिगेड का पर्दाफाश। माफिया से कनेक्शन, लग्जरी लाइफ का खुलासा। यूपी, एमपी, हरियाणा और राजस्थान, हाथरस वाले भोले बाबा का साम्राज्य सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं
बल्कि 5 राज्यों तक फैला हुआ था। राजस्थान के दौसा में भी बाबा का एक आश्रम लगता था जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं होती थी। खुद को नारायण का अवतार बताने वाले बाबा का हाथरस की तरह दौसा में भी प्रवचन होता था। पिछले साल नवंबर महीने में दौसा के कांदोली में प्रवचन हुआ था और बाबा के प्रवचन में 1 लाख से ज्यादा अनुयायी इकट्ठा हुए थे। वहीं चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि भोले बाबा पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर में दरबार चलाता था और माफिया के घर में 1 महीने के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 4 बार बाबा का दरबार लगता था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। हाथरस की तरह ही राजस्थान के दौसा में भी साकार हरि बाबा का प्रवचन हुआ था जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। 7 नवंबर का वो दिन था जब इस लोकेशन पर साकार हरि बाबा ने प्रवचन किया था और इस जो 7 नवंबर है उससे ठीक 17 दिन पहले प्रियंका गांधी यानी 20 अक्टूबर को यहां पर प्रियंका गांधी की विधानसभा चुनाव को लेकर एक रैली हुई थी। और ये जो पूरा आप देख पा रहे हो ग्राउंड, जो ये मैदान है, इस मैदान पर प्रियंका गांधी का टेंट लगा था और उसके बाद में ये समतलीकरण हुआ था और उसके ठीक 17 दिन बाद में साकार हरि बाबा का यहाँ पर बड़ा पांडाल सजाया गया था जहां पर यहां पर प्रवचन हुआ था और हाथरस की तरह ही 1 लाख से अधिक की यहां पर भीड़ एकत्रित हुई थी। बुधवार को न्यूज 18 राजस्थान ने दौसा में बाबा के आश्रम का खुलासा किया था। इसके बाद हमारी टीम बाबा के आश्रम के अंदर पहुंची, जिसके बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बाबा के माया लोक में ज्यादातर महिलाएं ही आती थी और एंट्री के लिए महिलाओं से बाकायदा फॉर्म भरवाए जाते थे जिसमें उनकी फोटो लगाई जाती थी, साथ ही उनसे उनका आधार कार्ड भी लिया जाता था जिसके बाद उन्हें आश्रम में एंट्री मिलती थी। हाथरस कांड के बाबा साकार हरि बाबा का जो राजस्थान कनेक्शन सामने आया है वो राजस्थान के दौसा में पेपर लीक के जो माफिया हैं हर्षवर्धन मीणा उनके घर में दरबार लगाया करते थे और न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शक पहली बार दरबार के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें महिलाओं के फोटो लगे हुए हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस तरह का एक फोरम है और इसमें एक तरीके से बहन सैनिक मतलब जो भी उसके जो प्राइवेट फोर्स होती थी उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, ये खास बात है। और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पड़े हैं उसमें अधिकतर डॉक्यूमेंट महिलाओं के हैं, तो खास बात यह है कि जो बाबा का दरबार सजता था उसमें महिलाओं की अधिकता रहती थी, महिलाओं का प्रवेश ज़्यादा होता था। और खास बात यह है कि जो दौसा के जो स्थानीय लोग थे या स्थानीय मीडिया कर्मी थे उनको किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं दी जाती थी कि यहाँ कोई दरबार लगा हुआ है, सिर्फ बाहर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा से यहाँ पर अनुयायी आते थे। और तस्वीरें हम दिखाने को कोशिश करते हैं, ये एक बक्सा है और इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं जिसमें ये क्रम संख्या मतलब कुल मिला के संख्या लिखी जाती थी कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी महिलाओं के फोरम हैं और ये जो महिलाओं के जो प्रवेश होता था वो यहाँ पर क्या कार्य करेंगी, कौन पानी पिलाएगी, कौन सेवा देगी, इस तरह की पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, बाकायदा सील लगाई जाती थी और उसके बाद में यहाँ प्रवेश दिया जाता था। और इसके इनको हम चेक करते हैं तो इसमें ना केवल फॉर्म है बल्कि इसमें आधार कार्ड भी है, देखो ये आधार कार्ड भी है, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भी यहाँ पर अनुयायी आता था उसको फॉर्म भराया जाता था, आधार कार्ड लिया जाता था, तब जाकर यहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। पेपर लीक माफिया के हर्षवर्धन के घर बाबा जब भी दरबार लगाता था तो उसका पंडाल शानदार तरीके से सजाया जाता था। बाबा लग्जरी कुर्सी और झूले पर बैठते थे, साथ ही हर्षवर्धन के घर बाबा के लिए बेड और सोफा भी लग्जरी था। साथ ही हर्षवर्धन के घर बाबा सिर्फ लग्जरी आइटम और सुविधाओं का ही इस्तेमाल करता था। ये दरबार चलता था, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए अभी भी टेंट लगा हुआ है क्योंकि SOG का जो सर्च अभियान था उसके बाद से ही इसको पूरी बिल्डिंग को सीज कर रखा था। ये लग्जरी कुर्सी है और झूला है एक तरीके से, और ये कुर्सी पर ये झूला है और यहाँ पर बाबा जो भोले बाबा हैं वो बैठा करते थे और दरबार सजाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। दौसा में इस दरबार को इतना गोपनीय रखा जाता था कि पेपर लीक माफिया के घर के आसपास प्राइवेट फोर्स तैनात की जाती थी ताकि कोई भी स्थानीय व्यक्ति दरबार की आंतरिक बातों को नहीं जान सके।
हालांकि जब हर्षवर्धन मीणा का पेपर लीक कांड में नाम सामने आया तो एसओजी ने दबिश देकर हर्षवर्धन मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उसके ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद बाबा का दरबार सामने आया। एसओजी के रेड के बाद से ही यहां दरबार लगना बंद हो गया और पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन से बाबा के संबंध थे, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन पेपर लीक प्रकरण में कितनी लिप्तता थी यह हो सकता है कि एसओजी पूछताछ करे, लेकिन जो हर्षवर्धन मीणा है उसके संपर्क में जो ये भोले बाबा हैं जिसके कारण यह हाथरस का कांड हुआ है वो उनके संबंध में था और उनके घर पर यहाँ पर दरबार सजाया करता था। ऐसे में जो राजस्थान का कनेक्शन जो भोले बाबा का सामने आया है उसमें पेपर लीक माफिया से उसके संबंध जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उसके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया है। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहे, कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी आ सकते हैं। नर्सिंग कर्मियों की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाने का एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन का फैसला अब अमली जामा नहीं पहन पा रहा है। दरअसल नर्सेज एसोसिएशन का एक धड़ा इस फैसले के पक्ष में है, जबकि दूसरा उसके खिलाफ। प्रशासन चाहता है कि नर्सिंग स्टाफ को रोटेशन में ड्यूटी करें ताकि हर एक डिपार्टमेंट में काम करने के लिए वो सक्षम हो सके। नर्सिंग कर्मियों को रोटेशन में नौकरी करनी चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए कॉलेज प्रशासन ने इस बैठक का आयोजन किया था, लेकिन बेनतीजा रही। आलम यह है कि कई साल से एक जगह पर जमे नर्सिंग कर्मी बदलाव की चर्चाओं से ही बेचैन हो गए हैं। जानकारों की माने तो ऐसे कई नर्सिंग कर्मी हैं जो सालों से नर्सेज के काम के अलावा दूसरे कामों में लगे हैं। ऐसे में रोटेशन के आधार पर ड्यूटी का फैसला इन्हें रास नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले नर्सिस नेता श्याम सिंह के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। ये जो जानकारी है ना, जो अज्ञानता में ये लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे कि नर्सेज जो है नर्सेज के काम पे नहीं लगी हुई है। जहाँ जहाँ नर्सेज काम पे लगी वो सब राजस्थान नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो हमारा सिलेबस है वहाँ हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा सेंक्शन पोस्ट है उन पे ही काम कर रही है। एक भी नर्सेज ऐसी नहीं है जहाँ उनके अलावा काम नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ ऑक्सीजन प्लांट का, सारी ऑक्सीजन कैसे किस तरह सप्लाई करनी है हमारे सिलेबस में है और उसमें नर्स होनी चाहिए। एसएमएस अस्पताल में ऐसे कई नर्सिंग कर्मी हैं जिन्हें ऑपरेशन थिएटर आईसीयू जैसे डिपार्टमेंट में काम का अनुभव ही नहीं। ऐसे में अगर रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगेगी तो सभी स्टाफ को काम करने का मौका मिलेगा और इमरजेंसी हालात में इसका फायदा मिलेगा। अगर अस्पताल में आप देखेंगे एक आदमी पिछले 10 साल से आईसीयू में काम कर रहा है, कोटी में काम कर रहा है और कुछ लोग हैं जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो उन लोगों की हमारे एसोसिएशन के पास लोगों की मांग है साहब हमें भी जो सुविधाजनक जो फीमेल हमारे इस विभाग में ज्यादा काम करती है कि हमें भी ऐसी व्यवस्था के तहत हर काम आना चाहिए। ऐसी भी जानकारी है कि कई नर्सिंग कर्मी ऑक्सीजन प्लांट, लॉन्ड्री और किचन के अलावा वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं। ऐसे में अगर ड्यूटी चार्ट रोटेट होगा तो इन्हें दिक्कत जरूर होगी। ये बात काफी लॉन्ग टर्म से सबकी डिमांड में है कि नर्सिंग कर्मियों का प्रॉपर रोटेशन हो और सब जगह उनकी आवश्यकता रहती है और एसएमएस के नर्सिंग कर्मी बहुत ही कर्मठ हैं। अब हम लोग उनके साथ मिलकर उनकी सहमति से एक ऐसी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें सबका वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हर नर्सिंग कर्मी के लिए इक्वली हो, मतलब उसको आईसीयू, आउटडोर, ऑपरेशन थिएटर सभी जगह उसकी पोस्टिंग हो, इससे उसका भी प्रॉपर एक्सपोजर हो। जानकारी के मुताबिक एसएमएस अस्पताल में ही करीब 50 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी वीआईपी ड्यूटी में तैनात। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट, किचन, लॉन्ड्री जैसी जगहों पर भी कई प्रभावशाली नर्सिंग कर्मियों ने अपनी ड्यूटी लगवा रखी है। ऐसे में कई नर्सिंग कर्मी
भेदभाव का शिकार होते हैं, लेकिन SMS अस्पताल का फैसला कब तक लागू होगा ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से सौरभ व्यस्ती, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में प्रतिभावान गरीब बच्चों के लिए विदेश में शिक्षा के लिए चलाई जा रही विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में घोटाले के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अफसरों ने अपने ही बच्चों को एडजस्ट करवाने के लिए विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के नियमों में बदलाव कर दिए, योजना की रैंकिंग में भी हेरफेर किया गया। विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में फर्जीवाड़ा, अफसरों पर योजना के नियम बदलने का आरोप, अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बदले नियम। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना का पहले नाम बदला गया, लेकिन अब जब नाम बदलने के बाद में इस योजना का लाभ लेने का मौका आया तो इस योजना से जुड़े नियमों को ही बदल दिया गया है। योजना के नियम बदलने को लेकर के जो संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो इस पूरे मामले की शिकायत लगातार सरकार से कर रहे हैं। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, लेकिन कई बार शिक्षा का अधिकार घोटाले और फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा ही एक मामला विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में देखने को मिल रहा है। आरोप है कि गरीब प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए चलाई जा रही विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में अफसर्स ने अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए नियम बदल दिए हैं। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप देने की बात हो रही है। 17 मई को गाइडलाइंस आए थे कि THE की रैंकिंग को फॉलो किया जाएगा इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप देने के लिए, जिसमें टॉप 25 कॉलेजेस जो टाइम्स बताता है इंजीनियरिंग में होने चाहिए उसके बेसिस पर ये स्कॉलरशिप देंगे। हुआ एक्चुअली ये कि उस लिस्ट के अंदर में 8 यूनिवर्सिटीज़ जो एक्चुअल होनी चाहिए थी वो नहीं थी और 8 दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को डाल दिया गया। टाइम्स को हमने यहाँ पर शिक्षा विभाग को 20 तारीख को हमने रिटर्न एप्लीकेशन दे दी थी, साथ में वो बैकअप भी था ईमेल का कि ये रैंकिंग गलत है। आरोप है कि न सिर्फ योजना के नियम बदले गए बल्कि गरीब बच्चों का हक मारने के लिए रैंकिंग में भी बदलाव किया गया। छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर स्कॉलरशिप का लाभ उठाते उससे पहले ही योजना में अफसरों ने अपनी प्रतिभा दिखा दी। आरोप है कि अफसर्स ने QS रैंकिंग की जगह टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग लागू कर दी। ऐसे में जिन छात्रों ने जनवरी महीने में QS रैंकिंग के मुताबिक आवेदन किए थे उनके आवेदन रद्द हो गए, क्योंकि जिन कॉलेज में आवेदन किया गया वो टाइम्स हायर एजुकेशन की टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं थे। आरोप है कि आखिरी वक्त में टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग से कई यूनिवर्सिटी को निकाला गया और नई यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। अब 1 जुलाई को टाइम्स ने डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट को मेल लिखा है कि जो आप रैंक्स फॉलो कर रहे हैं वो गलत हैं, आप वो रैंक अगर देखना चाहें तो पेज नंबर 28 पर गलत रैंकिंग छपी हुई है जो नई गाइडलाइंस आई थी, और उन्होंने खुद ये व्यक्त किया है कि ये सही रैंकिंग है और दूसरी कोई भी रैंक गलत है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि सही रैंक तो एटलीस्ट पब्लिश हो जिससे जो एलिजिबल बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सके। आज की तारीख में स्थिति ये है कि जो रैंक छपी हैं उनमें 8 यूनिवर्सिटीज़ जो एलिजिबल नहीं है वो उसमें हैं, और जो एलिजिबल 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बाहर हैं और रैंकिंगों में भी ऊपर नीचे है। उच्च शिक्षा विभाग पर टॉप 25 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में हेरफेर करने के आरोप लगे हैं। योजना की नई गाइडलाइन के मुताबिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना होता है। प्रतिभाशाली गरीब बच्चों को विदेश में पढ़ाने की विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना में हेर फेर के बाद प्रशासन विभाग सवालों के घेरे में है, लेकिन कैमरे पर कोई भी सफाई देने को तैयार नहीं है। फिलहाल योजना के नियम बदलने के बाद से अब योजना सवालों के कटघरे में खड़ी हो चुकी है और सरकार से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि योजना को यथावत रखा जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। बारिश हमें गर्मी से राहत दिलाती है लेकिन बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। भारी बारिश के बीच विशेषज्ञों ने भी मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका जाहिर की है।
मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर भी कस ली है। पहली बारिश के साथ ही राजधानी जयपुर समेत ज्यादातर हिस्सों में जलभराव की समस्या उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में जलभराव के साथ ही मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ACS शुभ्रा सिंह ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा की है। इसके बाद OD के ऐप द्वारा मौसमी बीमारियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नवाचार को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मौसमी बीमारी को जो अन्य विभागों के सहयोग के बिना, जो हमारे LSG है, नगर निगम वगैरह हैं, जो प्रिवेंशन के काम में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए एक OD के ऐप हमारे बना हुआ है कि कहीं पर भी कोई वाटर लॉगिंग वगैरह, वाटर स्टैग्नेशन है कि जहाँ लार्वा वगैरह पनप रहे हैं, उसकी फ़ोटो डाल के और उस पर कार्रवाई अर्बन एरिया में नगर निगम को करनी है, रूरल एरिया में ग्राम पंचायत को करनी है। तो उसमें भी हमारे कंप्लायंस का स्तर बिल्कुल जो संतोषजनक नहीं है, तो उसके बारे में भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। जल भराव के चलते मच्छरों की पैदावार में इजाफा होता है, ऐसे में पंचायती राज विभाग के जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोटा